हरियाणा सरकार 28 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद शुरू करेगी। इस बार सरसों की MSP 5,050 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। पिछली बार के 4,650 रुपए के मुकाबले MSP में 400 रुपए की बढ़ोतरी है। सरकार को इस बार बम्पर पैदावार की उम्मीद है, क्योंकि सरसों का रकबा देश भर में काफी बड़ा है। सरसों के अलावा चना और सूरजमुखी की खरीद के लिए भी हरियाणा सरकार ने तारीखों की घोषणा कर दी है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी खरीद सीजन 2022-23 के दौरान खरीद केंद्रों की पहचान करने, समय पर खरीद शुरू करने और भंडारण आदि व्यवस्थाओं का किए जाने का सुनिश्चित वह करेंगे। संजीव कौशल बुधवार को मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत आगामी रबी खरीद सीजन 2022-23 में चना, सरसों और सूरजमुखी की फसलों की खरीद हेतु किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में हैफेड के प्रबंध निदेशक भी उपस्थित रहे थे। बैठक में बताया गया कि सरकार द्वारा सरसों की खरीद 28 मार्च, चने की खरीद 1 अप्रैल और सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू की जाएगी। ये भी बताया गया कि खरीद सीजन के दौरान राज्य सरकार सरसों 5,050 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, चना 5,230 रुपए प्रति क्विंटल और सूरजमुखी 6,015 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीद करेगी। बैठक में बताया गया कि हरियाणा राज्य भंडारण निगम, हैफेड तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंडियों और खरीद केंद्रों की पहचान करेंगे। इसके अलावा खरीद कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान 15.98 लाख एकड़ भूमि पर 13.13 लाख मीट्रिक टन सरसों का उत्पादन हुआ, जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान 18.67 लाख एकड़ भूमि पर 14.82 लाख मीट्रिक टन सरसों के उत्पादन की संभावना है। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 के दौरान 88,000 एकड़ भूमि पर 36,000 मीट्रिक टन चने का उत्पादन हुआ, जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान 89,000 एकड़ भूमि पर 40,000 मीट्रिक टन चने के उत्पादन होने की संभावना है। इसके अलावा वर्ष 2020-21 के दौरान 30,000 एकड़ भूमि पर 25,000 मीट्रिक टन सूरजमुखी का उत्पादन हुआ, जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान 30,000 से ज़्यादा एकड़ भूमि पर 30,000 मीट्रिक टन सूरजमुखी के उत्पादन की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।